अब नेपाल ने भारत के साथ की चीन जैसी ओछी हरकत। उत्तराखंड से लगी सरहद पर कब्जा ली भारत की जमीन, कब्जाई जमीन पर बना लिए पक्के मकान और दुकानें, झुग्गियां भी बसाई। जो नापाक हरकतें अब तक चीन अरुणाचल प्रदेश लद्दाख के साथ लगती सीमाओं पर करता रहा है, वही हरकतें अब नेपाल कर रहा है। वो नेपाल जिसको लेकर हमेशा कहा जाता रहा है कि इसका भारत के साथ रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन चीन जैसा चाल चरित्र चेहरा लेकर नेपाल भारत के खिलाफ जो साजिश रच रहा है उसका अब खुलासा हो गया है। और ये खुलासा किया उत्तराखंड के वन विभाग ने। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई है कि उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर भारतीय भूमि में सालों से नेपाल का अतिक्रमण बढ़ता गया। अब तक भारत की 5 हेक्टेयर भूमि पर नेपाल अतिक्रमण कर चुका है, जिसकी रिपोर्ट SSB के साथ ही वन विभाग ने शासन और गृह मंत्रालय को भेज दी है। वन विभाग के मुताबिक टनकपुर की शारदा रेंज से लगी भारत नेपाल सीमा के शारदा टापू समेत ब्रह्मदेव में कई जगहों पर 30 सालों से अतिक्रमण होता आया है। भारत की जमीन पर कब्जा करने की ये फितरत आज की नहीं है, साल 1995 से पहले ही भारत की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा होता रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भारतीय वन क्षेत्र का करीब 5 हेक्टेयर में नेपाल का इस वक्त अतिक्रमण है, जिसे नेपाल अपना बताते आया है, जबकि इस जगह को लेकर कई बार सीमा विवाद हो चुका है। इस अतिक्रमण वाली जगह पर नेपाल के पक्के मकानों के साथ ही अस्थाई झोपड़ियां और दुकानें बनी हुई हैं। हालांकि SSB और वन विभाग ने अपने स्तर से अतिक्रमण की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है कि SSB के असिस्टेंट कमांडेंट अभिनव तोमर ने बताया है कि हाल में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन नेपाल के अतिक्रमण की रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजी गई है। अब सर्वे ऑफ इंडिया और सर्वे ऑफ नेपाल की टीमें ही इसका समाधान खोजेंगी। टनकपुर के रेंजर महेश सिंह बिस्ट का कहना है कि सीमा से लगे भारतीय वन क्षेत्र में करीब 5 हेक्टेयर भूमि पर नेपाल का अतिक्रमण है, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। अब दोनों देशों की सर्वे टीम ही इस मसले का हल खोज सकेंगे। भारत की ओर से किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सीमा पर नहीं किया गया। साफ है कि नेपाल में जो पिछला शासन था KP ओली का, उस वक्त उसकी नजदीकियां चीन से ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन चूंकि अब सत्ता बदली है, चेहरा बदला है, तो चरित्र भी बदलेगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। बेहतर होगा कि चीन के कुचक्र में न फंसकर नेपाल भारत के साथ अपने पुराने संबंधों को बहाल करे, ताकि मुसीबत में उसे भारत जैसा मददगार पड़ोसी काम आए, चीन की तरह चालाक पड़ोसी नहीं जो बुरे वक्त में मुंह फेर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।